नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रिस्क्रिप्शन को स्वागत करुछि मुनिवेदिता। दशबंधु आगर कम थिला रोग संख्या और कम थिला रोगी संख्या हेले एबे दिनक दिन रोग बढ़ुछि और ता संग को मेडिसिन रो लंबा तालिका मध्य बढ़ुछि। हेले जदि सठिक समय रोग को चिन्हि बुझि जानि तार चिकित्सा करा न जाय ताहेले आमे याकु कंट्रोल को आनी परिबा। तबे खास सेथिपाई आपनकु जे कोनोसी रोग सम्बन्धरे सचेतन कराइबा पई आमर ई स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रिस्क्रिप्शन। दशबंधु बयस बढ़िले आम शरीर में हाड़गुड़िक दुर्बल हो जाए फल विभिन्न गंठी जनित समस्या देखा जाए आंठूगंठी बात ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस इत्यादि देखा मिले। तेज सबुठ चिंताजनक कथा हो केवल बयस बढ़िले नुहे बरम कम बयसर देखा दे समस्या हेले कहीं सब समस्या देखा दे कौन रही यार उपचार कौन सब सतर्कता अवलंबन करवा उचित ए सबको नहीं आलोचना करवा आलोचनापाई आज आम सह स्टूडियो उपस्थित अच्छा सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन तथा विशिष्ट अस्थिशल्य विशेषज्ञ डॉक्टर बसंत कुमार बेहरा जे कि एवं सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन रो अच्छा श्रीयुक्त बेहरा स्वागत कर आलोचना को डॉक्टर बेहरा डॉक्टर बेहरा जमी आज टॉपिक रखिंट विशेषकर आंठूगंठी जनित समस्या सब बड़ कथा होची आम साधारण तो जानते जे जो मैंने अधिक बयस से मानी प्रोब्लेम देखा मिले एवं कम बयसर भी ए सब देखा मिलूँ जो फास्ट आपणकर रिएक्शन कौन रे आंठूगंठी जनित समस्या कहीं देखा देखो आंठूगंठी समस्या बर्तमान बेस देखा कारण हूँ आम लाइफस्टाइल चेंज आगु आम लोक मैंने बहुत परिश्रम करुले सैकल कौन साड़े जाऊँ कि बर्तमान आम आक्ट सब कमी जा नेक्स्ट है फूड हैबिट आम बर्तमान बस फास्ट फूड खाऊँच फास्ट फूड कौन गोटे फ्री रेडिकल्स बाहर जहाँफल कि आम कैटलेस को डैमेज कै नेक्स्ट है आम ओबेसिटी बर्तमान कौन आम जेहतु एक्सरसाइज करूना सैक्लींग करूना कौन से आक्टिविटी नहीं तेणु आमर ओजन बढ़ी जाऊँगी तेणु सी गोटे कारण फोर्थ कारण है गोटे जेनेटिकल फैक्टर बर्तमान कौन होमर जेहतु ये विभिन्न कारण जो जेनेटिकाली मॉडिफिकेशन होती जहाँफल कि आंठूगंठी बात देखा जाऊँगी तेणु यही सब चारण कारण आजिकल यंग एज्रे ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा जाऊँगी। ओके डॉक्टर बेहरा जो कथा आप कहले विशेषकर जो ये समस्या गुड़िक देखा जे आरो सब प्राथमिक लक्षण गुड़िक कौन आम कमी जाना जे समस्या देखा और क्यों समय विशेषकर डाक्तर परामर्श ने दरकार देखो बर्तमान जिते प्रथम आंठूगंठी बात होता है पेन होता है से आम कौन करूना इनिशियली टी बाम लगे दौ कि किसी सेक गरम पा सेक दौ भल रिलीफ हो जाए तो आम भाव कि ना कि ना तो एमती ग्राजुआली बहुत पेसेंट अच्छा जो मैंने कि ग्राजुआली मसे दुमास तीन मस छस पर्यटन सेमती बाम लगाती आउ एक्सरसाइज करती सेक दिखती कमी जाए कि जितेबाला यू गुड़ द्वारा जिते आमर पेन कमुना सागे सागे अर्थोपेडिक डॉक्टर द्वारा परामर्श करा दरकार निहांती डॉक्टरों परामर्श करवा दरकार। डॉक्टर बेहरा आम सहित जे कलर जोड़े कल्टी नहीं जावा कौन तर प्रश्न रही निश्चय उत्तर देवा चेस्टा करवा जे कलर जोड़े हेलो हेलो मैडम नमस्कार नमस्कार किए कहते कौट कहते कम प्रश्न रही पचार साहू कम प्रश्न रही निश्चय बहुत भल प्रश्न पचारे डॉक्टर बेहरा जहाँ से जानवाक चाहूँ विशेषकर कौन कले सब समस्या को सामना करने को पड़े नंबर वन गोटे जिन सिंपल सेंटेंस को एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज व्यायाम 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 योग ये जो तीन टी जिनस आमर ओजन के बढ़ना मन स्ट्रेस रहा देहरे गुड हार्मोन सिक्रेशन हम जहाँफल कि आम कौन प्रकार गंठी बात देखा खाली गंठी बात नुह डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट प्रॉब्लम कौन सी रोग हम ना तेणु प्रतिदिन व्यायाम करिया दरकार एक्सरसाइज करिया दरकार योग करिया दरकार यहाँ द्वारा सब पॉजिटिव इफेक्ट होता है आम लॉस ही न था
निश्चय बहुत भल कथा जे डॉक्टर बेरा आम विशेष कर देखुं साधारणतः जदि आम कि पेन हो आंठूगंठी पेन हो नॉर्मल मेडिसिन आम मार्केट रूक व्यवहार कर प्रकृति में से जो मेडिसिन आम बाम यूज करते कौन कहीं सांगे सांगे आमको किसी समय टे रिलीफ मिले कि जो असुविधा को असुविधा देखा मिले एगुड़ी के इफेक्टिव ना नाई से समय ही आमको डाक्तर परामर्श करने आवश्यक देखो गंठी बातटी हूँ आमर नॉर्मली इंटरनल प्रॉब्लम ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम नुह आमर कौन हाड़ पर जो कैटिलेज थाए जहाँकि स्मूथ मूवमेंट करे जहाँकि तार इनफ्लामेशन जो पेन हुए आम जो पेन टा कौन आम बाहर को एक्सप्रेस करे कारण कैटिलेज डायरेक्ट निजर नर्व सप्लाई ना कि ब्लड सप्लाई ना तेनाली बाहर को सेंसरी सिस्टम द्वारा पेन जना पड़े तेनाली कौन करूँ सागे सागे से लोकाल मेसेज करदेलु किसी सेक देलु से पेन टी रिलीफ मिलता है कि अर्थ नुह कि इंटरनल प्रॉब्लम टी कमी जाए तेनाली रिपीटेड पेन है बेसिक है आम सांगे सांगे आइदर रिमाटोलोजी डॉक्टर कि अर्थोलोजी डॉक्टर को परामर्श कर तार एक्सरे करवा दरकार से बोन इनवॉल्वमेंट देखा दरकार जब बोन इनवॉल्वमेंट किसी चिंता जनित नुहे आम गुड एक्सरसाइज और मेडिसिन द्वारा रिलीफ होता है कि पेन किलर लॉन्ग टर्म खाया कथ ना मैक्सिमम 4-5 डेज खाँ जदि रिलीफ ना सांगे सांगे डॉक्टर को परामर्श कर विशेषकर क्यों एज ग्रुप अधिका देखा मिले और विशेषकर क्यों जेंडर अर्थात महिला क्षेत्र में अधिका देखा मिले पुरुषों क्षेत्र में अधिका देखा मिले विशेषकर क्यों एज ग्रुप देखो आगो आम जिते इनिशियल पार्ट ऑफ मो लाइफ में देखुली प्रथम एभव 40-50 पर बेसी देखा जाए कि बर्तमान समटाइम्स 30 वर्ष देखुचु तार कारण है बेसी ओजन बढ़िया एक्सरसाइज नक तेणु प्रति लोक जिते ओजन बढ़ुच्च से आगो ओजन को कमेवा दरकार फास्टफुड को एवोड कराफर कि आम आउ लेडीज मानक बेसी होता है कहीं लेडीज मैंने आगे बहुत काम करुले घर जावतियों जिनस घर बाहर करुले कि बर्तमान सब आम मेकानाइज लाइफ होगा तेणु मेकानाइज लाइफ है कौन अल्टिमेटली आम देह को क्षति करुच्छे तेणु लेडीज बेसी देखा जाए जेन्ट्स मानक अपेक्षा अच्छा निहांती डॉक्टर बेरा आम आगे कथ आम सहित आज जो कलर जोड़ी होती कल टी नहीं जा हलो आज्ञा किए कौते कौट कौते आज्ञा कहतु कौन प्रश्न रही ठक ठक हूँ पेन हूँ मानने आर्थराइटिस सिम्टम कारण अलरेडी कैटिलेज डैमेज हो बोन रे इफेक्ट गला तेणु आम जिते नी को बेंड करवा से हाड़े हाड़ घर्षण होता है से घर्षण जो साउंड हो तेणु आप सांगे सांगे डॉक्टर अर्थोपेडिक डॉक्टर द्वारा परामर्श करूँ एक्सरे कलापर कौन कर ट्रीटमेंट डिसीजन निजी निहती बहुत बहुत धन्यवाद जो कलर कॉल करते डॉक्टर बेरा आम टे डेमो देखा जो प्रकृत में आम जो जेहतु आम जॉइंट पेन कथा कहतु कि आंठ में कौन भी समस्या देखा गले आम जानी ना इंटरनाली कौन प्रोब्लेम है आम देखे आम दर्शकों को कौन डेमो देखो यहाँ गोटे हूँ नीरो मॉडल ये मॉडल कौन यहाँ हूँ टीबिया बोन कहते फीमर बोन कहते हाँ ये उपर आम पेटलाइज कवर अच्छे नॉर्मली कौन हुए बर्तमान कौन हो आम ये जो कैटिलेज थाए ये कैटिलेज टी आर्थराइटिस डैमेज हो जाए जहाँफल कि जितने मुवमेंट हम पेन हम तेनाली तो कौन ऑपरेशन द्वारा कौन करूँ ऑपरेशन के हुए जितेबाला सीभियर गंठीटी डैमेज हो नीटी बेंड हो रोगीटी चली पार ना बाथरूम जापर ना वाकर दरकार कि घर लोक निर्भर कैर से समय आम नी रिप्लेसमेंट आडभाइज कर साधारण 2-3 वर्ष लगे सिम्टम डेवलप करने कि जन भल एक्सरसाइज रेगुला कर 5-6 वर्ष जापे से आम सब पेसेंट को प्रमोट करूँ कि तुम एक्सरसाइज कर फिजिओथेरापी कर नीट स्टिफ हो ना जदि मुवमेंट न कर कि कुआ जीव ना गंठीटी बेसी स्टिफ हो जाए ताफर कि बेसी पेन हुए तो नी रिप्लेसमेंट कौन कराए ना आम बर्तमान जो बोन अच्छी आराउंड 9 mm टीबिया को कट कराए यठ 9 mm कट टोटाल 8 mm 9, 18, 18 तो ये 18 mm रो ये थिकनेस रो एटा गोटे बेस मेटाल प्लेट एटा गोटे क्रोमियम मेटेरियल अच्छे क्रोमियम रो कौन हुए ना आर लाइफ स्पैन में 30 इयर्स कह तो ये जिस द्वारा आउ एटा होजी गोटे पॉली पॉली एथिलीन सॉकेट जहाँ फल कि स्मूथ मूवमेंट काम करे आर ये जो इम्प्लांट अच्छी पाखापाखि 30 इयर्स काम कर आ गोटे कोबाल्ट क्रोम अच्छी जोटा 20 इयर्स काम करे तेणु बर्तमान नी रिप्लेसमेंट लाइफ स्पैन बहुत बढ़ीगला तेणु जो लोक जब 50 वर्ष कला से मिनिमम 80 इयर्स पर्यटन किसी असुविधा हम ना तेणु बहुत लोग कहते हैं 50 वर्ष पर्यटन वेट करूँ 70 वर्ष पर्यटन सिंस टेक्निक इम्प्रूव है मेटेरियल इम्प्रूव है तेणु
ଭୟ କୌଣସି କଥା କରିବା କଥା ନାହିଁ। 50 ବର୍ଷ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଲୋକର ନି ଦୁଇଟି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ନିରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କମିଯାଇଥିବ, ମାନେ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ହେଇଥିବ, ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିପାରୁନଥିବ, ବେଳେବେଳେ ଘର ବାଥରୁମ୍କୁ କରିବାକୁ ହେଲେ ଘର ମେମ୍ବରକୁ ଧରିକି ସପୋର୍ଟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲୁ ଏକ୍ସରେରେ ବୋନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆକୁ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କଥା ହେବା, କାହିଁକିନା ଇଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଏନ୍କେ ମିଶ୍ର ନଳିନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପାଖରୁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ ଡକ୍ଟର କୁହନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଅଷ୍ଟୋପୋରୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା? ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ହେଲା ବୋନ୍ଟି ୱିକ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କାଲସିୟମ୍ ଆଉ ତାର ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ଥାଏ କମିଯାଏ, ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍। ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଲା ଏଟାର ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇ ଗଣ୍ଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍, କାଟିଲେଜ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବୋନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍। ଦୁଇଟାର ରିଜିନ୍ ଅଲଗା, ଦୁଇଟାର ରିଜିନ୍ ବି ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଖେଳିବେ, ରେଗୁଲାର ଦୌଡ଼ିବେ, ଆମର ଜିମ୍ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ରେଗୁଲାର ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଫୁଲ୍ ସ୍ୱେଟିଂ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ସେ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବେ, ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ସେମିତି ଯଦି ବି ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ୱାକିଂ କରିବା, ଆମେ ଆକୁ ତାକୁ ପ୍ରଲଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବା। ମେ ବି 2 ବର୍ଷରେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର, 10 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଓକେ, ନିହାତି ଯେଉଁ କଲର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହେଉଥିଲେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରିକସନ୍ସ କ'ଣ ସବୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପେନ୍ ବହୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେନ୍ଲେସ୍ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରୁଛୁ। ପେନ୍ଲେସ୍ କ'ଣ ନା, ଆମର ଆଜିକାଲି ସ୍ପେଶାଲ ନର୍ଭ ବ୍ଲକ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତ ନର୍ଭ ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିପିକାଲ ଯେଉଁ ନର୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ କରୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉ। ତେଣୁ ଅପରେସନ୍ ଆଗରୁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଅପରେସନ୍ର ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୋଗୀର ଆଦୌ ପେନ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗୀ ଯେଉଁଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେବ ସେମ୍ ଡେ ଚାଲିପାରିବ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଚାଲେ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ, ଆମର ରହି ଆଗେ ଆମେ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ରଖୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3rd ଡେ 4th ଡେରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଉଛୁ, ତାପରେ ହୋମ୍ ଫିଜିଓଥେରାପି ହେଉଛି। ପ୍ରିକସନ୍ କ'ଣ ନେବେ ନା, ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ଅପରେସନ୍ର ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଯେମିତି ଯଦି ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ତା'ର OT ଭଲ ମଡ଼ୁଲାର ନୁହଁ, କି ଆପଣ ଟିମ୍ ଭଲ ନୁହଁନ୍ତି, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ବି ବହୁତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ରୋଗୀଟି ଜୀବନସାରା ହଇରାଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଭଲ ମଡ଼ୁଲାର OT ଅଛି, ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍, ମୁଁ ଯେତେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କି କେୟାର୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର କହୁଛି, ଆମର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ହେଲା 1 ଡେ ଦେଉଛୁ ଆମେ, 2nd ଡେ ଓରାଲ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଉନୁ, ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 0। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜଗୁଡ଼ା ଯେ ଏନି USA ହସ୍ପିଟାଲ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଅପରେସନ୍ କରିବେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କେବେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବେ, ତ ଆମେ ଯଦି 3rd ଡେ 4th ଡେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁ, ତ ଆମର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଫିଜିଓଥେରାପି, ଘରକୁ ଯାଇ ଫିଜିଓଥେରାପି କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ ସବକ୍ୟୁଟାଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଷ୍ଟିଚ୍ର ବି ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗୀଟି ୟୁଜୁଆଲି ଆସେ ମାସେ ପରେ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରତି 1st ମନ୍ଥ 2nd ମନ୍ଥ 3rd ମନ୍ଥରେ ଚେକଅପ୍ କରୁ, ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି 6 ମନ୍ଥ, ତାପରେ ହେଉଛି 1 ଇୟର୍। ତେଣୁ ଏଭ୍ରି 1 ଇୟର୍ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପେସେଣ୍ଟଟି ଚେକଅପ୍ ଡକ୍ଟର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ୟୁ ସୁଡ୍ କମ୍ ଏଭ୍ରି ବାଦ ଡେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଅପରେସନ୍ ପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉ କି ଯାହା ହେଉ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯିବ, ପ୍ରିକସନ୍ ହେବ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜ୍ୱର ହେଲା, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଯେ ବିଶେଷ କରି ଅପରେସନ୍ ପରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ କେତେ ଥାଏ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଅପରେସନ୍ ଆମର ଭଲ ବେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଆରାଉଣ୍ଡ 0.01-1%। ତ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଆପଣ ଟିମ୍ ଭଲ ଥିବ, ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଭଲ ଥିବ, OT ଭଲ ଥିବ, ତାହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 0.01%। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନକରି, ଯେଉଁଠି ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଟିମ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଅପରେସନ୍ କଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଅପରେସନ୍ କଥା, ଯେହେତୁ ଭଲ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ହ୍ୟାଲୋ,
ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ହଉଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ ଖାଇ ପଡିବ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁନି। परामर्श करंतु, एक्सरे देखिबा पड़िबो केते बोन डैमेज अछि। जदि बोन बेसी आपण ए बयस केते? बयस 51। 51 जदि बय जदि आपण 51 किछि असुविधा नै, जदि बोन बेसी डैमेज हेछि ताहले एक्सरे जदि बोन डैमेज हो ताले नी रिप्लेसमेंट करिया पड़िबो। नी रिप्लेसमेंट करले को देखाइ परबो? हेलो सर, आपण को देखाइ परबो? मते कोडी देखा करि परिबे? मोर क्लिनिक अछि, फोन नंबर दे नै जिवे, सेठी कांटेक्ट करिवे, देखा केयर कोन सर? केयर हॉस्पिटल रे आपण मते देखा करिवे, मते फोन करि आसीबे, केयर हॉस्पिटल देखा करिवे। धन्यवाद नहीं जो कलर कॉल करते, आम चेस्टा करूँ आपं नंबर दबापाई से आप स्पेशल चाहूँ देखा करने आम चेष्टा कर प्रोग्राम सरला कंटाक्ट नंबर पहुँचापी। तेरे डॉक्टर बेहरा, आम जमी आलोचना करशेषकर आंठूगंठी जनित समस्या आम महिला क्षेत्र में, डॉक्टर बेहरा आप जमी कहते अधिका टी देखा मिलती कहीं प्रकृत में महिला क्षेत्र में समस्या बेसी देखा मिलती है? आम भी देखते डॉक्टर बेहरा जे विशेषकर डेलीवरी पर अधिका जॉइंट पेन कि बैक पेन युवा सब देखा मिले आंठूगंठी जनित समस्या। गोटे है नंबर वन जेनेटिकल फैक्टर, सेकेंड है एक्टिविटी कमी जाए, थर्ड जिनस फास्ट फूड ये जिनस गुड़िया देखते आप अधिका डायबिटीज होती, अधिका थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म होती, अधिका डायबिटीज होती, एगुड़ी इंटर रिलेटेड। जदि आम तेनाली एक्सरसाइज नक महिला मैंने जेहतु आगे अधिका मेल मैंने कौन घर बाहर को जाते, फीमेल मैंने यूजुअली गले परसेंटेज कम बाहर को जीवाई, जेहतु बाहर को जाऊना ओजन बढ़ुची, तो ओजन बढ़िया मात्र ऑटोमेटिक आप जॉइंट प्रॉब्लम हम, डायबिटीज हम, ब्लड प्रेशर हम, हाइपर दिजार ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, आप मेंटल भी स्ट्रेस रोचे, तो मेंटल स्ट्रेस रही आर्थराइटिस देखा। डॉक्टर बेहरा विशेषकर ये समस्या न देखा जावाई कौन कौन सब करवा दरकार, विशेषकर योगा एक्सरसाइज क्या आप कहते आगुरु आम देखुले समस्ते चली चली बेस जावासिया करुले कि समस्ते गाड़ी व्यवहार कले से ये गोटे बड़ कारण निश्चय बड़ कारण से आमको जदि मो पाखे समय ना तो प्रतिदिन घंटे टाइम कर आप जिम न जाते कि फिल्ड थी दौड़ा तो कहीं मना करेंगे ना, एक्सरसाइज करा कहीं मना करेंगे ना, तेणु आम आम देशीय पद्धति चेष्टा करूँ हाँ आम कहीं वेस्टर्न कंट्री कल्चर एक्सरसाइज करवा, तेणु आम प्रधानमंत्री कहला भाया आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर हो आत्म फिल्ड में दौड़ू देखिए कौन सी समस्या हम ना, फास्ट वाकिंग करूँ, एक्सरसाइज करूँ, जिम रोण सब कहे कहीं जिम गले बहुत पेसेंट आसती बैक पेन करना हटात स्ट्रेचिंग बोधी हो, तेणु आप आत्मनिर्भर हो आत्मनिर्भर भैया एक्सरसाइज करूँ, निश्चय भल हे कौन सी समस्या देखा नहीं, झड़वा लक्ष्य बहुत अधिक एक्सरसाइज कर भी दिखती। बेरा आउ गोटे कथी आप खाद्यपेय क्या कहते आम जीवनशैली एकदम पर आम पूर्व शाग खाऊ घर खाद्य खाऊ कि आम बेस बाहर जिनस खाऊँ यार गोटे बड़ इंपैक्ट पड़ू कि ऑफकोर्स देखो मुझे मोर पेसेंट मैंने जो डाइट चार्ट कहते मतलब डाइट चार्ट कौन मैंने डॉक्टर भी आसते रिसेंटली से डाइट चार्ट कौन कहे मुझे देखते आप देशीय खाद्य खातु विदेशी खाद्य खातु इंटरनेट में जो दौरान डायटिशियन इंटरनेट डाउनलोड करते ग्राम से ग्राम होती नॉट पॉसिबल, तेणु आपत पारे वेजिटेबल्स एक्सेप्ट पोटैटो फिश आउ चपाती बेसी राइस कम ये खातु आ गोटे हूँ फूड है एभरे ऑल व्हाइट फूड्स एक्सेप्ट कॉर्ड माने दही को छाड़ी आउ सब व्हाइट फूड को वर्जन करू। अच्छा बेरा आपण कहले जे पोटैटो एक्सेप्ट पोटैटो काई पोटैटोटा काई ना हमें बहुत बेसी खाई दो तार कैलोरी बहुत है। अच्छा हां तनो हमर वेजिटेबल हेले फाइबर भी अछि ग्रीन ऑल ग्रीन वेजिटेबल आपण खाया दरकार। अच्छा डॉक्टर बेरा आउ गोटे कथा मध्ये हमें जानबा को चाहिबा जे सफल चिकित्सा सब कोन रही छि विशेष करे थरे ऑस्टियोआर्थराइटिस सफल चिकित्सा होची प्रथमे आपण जेतेले पेन हबो सांगे सांगे डॉक्टर परामर्श करिवे, परामर्श द्वारा डॉक्टर जहाँ मेडिकेशन देले मेडिसिन करिवे, रेगुलर एक्सरसाइज करिवे, फिजियोथेरापी करिवे, फिजियोथेरापी मेन उद्देश्य ला जॉइंट स्टिफ हबो नै, हमर मैक्सिमम पेन हुए जॉइंट स्टिफ हबा जो तेणु जदि जॉइंट स्टिफनेस हला हमर आमे ताको 5 वर्ष 10 वर्ष पर्यंत जो ऑपरेशन को अवॉइड करि परिबा, ओजन को बढ़िया को दबा नै हाँ ता सत्वे जो बेसी हो जाए से डॉक्टर परामर्श अर्थोपेडिक डॉक्टर द्वारा अभिज्ञ अर्थोपेडिक डॉक्टर द्वारा परामर्श करी जदि आम जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा शत प्रतिशत सफल हो। बर्तमान सरकार बहुत सुविधा देखते
ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ରିରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନିହାତି ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେ ଆମ ସହିତ ଯେହେତୁ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି କେତେ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନର୍ମାଲି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ, ଜଣେ ଡେରିରେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ସାଂଘାତିକ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ, କେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନି ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି? ପ୍ରାଇମେରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆମର ହେଲା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନିଟି ପେନ୍ ହେବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ନିଟା ସ୍ୱେଲିଂ ହେବ, ଯଦି ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସିମ୍ପଟମ୍ସ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆଗ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନରେ ହେବ, ତା'ପରେ ସପ୍ତାହରେ ହେବ, ତା'ପରେ ମାସରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଯଦି ପେନ୍ ହେଲା, ସ୍ୱେଲିଂ ହେଲା, ଜଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ହେଲା, ତା'ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଉ ଯଦି କହିଲେ ଯେଉଁ କର୍କଟ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିପିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଫ୍ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ବାତ। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା, ଆପଣ ଆମ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ ଏବେ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ତାଙ୍କ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା।